हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज आप लेके आ गए एक और काफी बड़ी जॉब रिक्रूटमेंट फ्रॉम द टीसीएस। टीसीएस बिगेस्ट फ्री मास हायरिंग अनाउंस फॉर द बैच ऑफ 2025। और यहाँ पर कंप्लीट बात करेंगे आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन को करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपना फोटो साइज क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 11 सितंबर, टेस्ट आपका होने वाला 11 अक्टूबर। टीसीएस बिगेस्ट चेंज इन हायरिंग प्रोसेस वो क्या है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। टीसी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, टीसीएस नेक्स्ट सेकेंड स्टेप रजिस्ट्रेशन देन अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन कैसे शो करेगा, उसके अलावा बात करेंगे टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, लेटेस्ट न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, फुल प्रोसेस एंड देन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लिए। गॉट इट? सो दिस इज अ मेल यू आर गोइंग टू रिसीव वंस यू सक्सेसफुली अप्लाइड टीचर्स रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। डियर कंग्रेचुलेशन सक्सेसफुली रजिस्टर द नेक्स्ट डे पोर्टल, योर डीटी नंबर दिया रहेगा, प्लीज नोट दैट द रेफरेंस आईडी फॉर ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विद अस। फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो टू फिल द टीस एप्लीकेशन फॉर्म, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड क्लिक ऑन द लिंक, लॉग इन टू द सिस्टम एंड यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल, डीटी नंबर आपका जो जनरेट हुआ रहेगा और रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म लिंक टू फिल द टीस एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, अपलोड सीवी इन पीडीएफ डॉक वर्ड 9797 फॉर्मेट या फॉर्मेट होना चाहिए आपके सीवी का, नोट मैक्सिमम साइज अपलोडिंग का सीवी 500 केबी से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, अपलोडिंग या फोटोग्राफ इन जेपीजी, जीआईएफ, टीपीजी और टीटीएफ, नोट मैक्सिमम साइज ऑफ अपलोडिंग द फोटोग्राफ इज 500 केबी, 6 प्रिंट द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, वंस यू आर बैच्ड फॉर द टीसी सिलेक्शन प्रोसेस यू कैन डाउनलोड द होल टिकट फ्रॉम द टीसी नेक्स्ट डे पोर्टल, यू विल नीड टू कैरी द हार्ड कॉपी फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिज्यूमे, टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड हॉल टिकट फॉर अपियरिंग इन टीसी सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन एक्सपोर्ट कर पिछले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एफपीसीओ गेस्ट ऑफ द टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। और यहां पर आपको जो है बैच मैंने बता दिया आप लोग को और आपका हॉल टिकट भी जनरेट हो जाएगा वंस यू सक्सेसफुली अप्लाई, ठीक है। और फिर आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात करते हैं हायरिंग जो है वो है आपका स्टार्ट योर सक्सेस विद बीपीएस इनवाइटिंग ग्रेजुएट इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस ईयर पास 95 टू अप्लाई फॉर टीसीएस बीपीएस हायरिंग। ये आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है 11 सितंबर और लास्ट डेट होने वाला है 11 अक्टूबर को। रजिस्ट्रेशन आपका ओपन है, सिंपली आपको क्लिक करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन नाउ, ठीक है। यहां पर आप लोग फिर जो वेट करना, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं है तो अगर आप फॉर्म पे नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली मैं लिंक दे दूंगा टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का, आप लोगों को टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर बस आपको आ जाना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने पर आपको वही पेज दिखेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, ओके। आपको मतलब उन्होंने साइट को अपडेट नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को बस लॉग इन करके आप लोग को यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है, फिर आपको बीपीएस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग लॉग इन करो, आपको वहाँ फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया गया, नेक्स्ट पोर्टल पर जाना है, फिर आपको यहाँ पर कुछ फॉर्म फिलअप करने हैं, ठीक है। एज आधार कार्ड, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर आपको अप्लाई करना है बीपीएस हायरिंग के लिए, अप्लाई फॉर जॉब्स आ जाएगा आपको वेबसाइट में, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आप प्लीज नोट दिस द इंटर एग्जाम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होने वाला है, जो पहले अप्लाई करोगे पहले अपडेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टेस्ट पैटर्न आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एबिलिटी और 50 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए बीकॉम, बी ए, बी बी आई, बी बी एस, बी एस सी वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। उस पर 25 180 बैकलॉग के पास चलेगा प्रोसेस। और यहाँ पर आपका 2 साल का गैप अलाउड है, 24 पोस्ट ऑफ पोल्ट्री फुल टाइम होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो है एज वगैरह बता दिया गया, कुछ एफएक्यू भी कुछ बता दिया गया, गो थ्रू हो जाना, कुछ डाउट्स वगैरह है तो देख लेना, अप्लाई करना। सभी को ऑल द बेस्ट, कुछ डाउट पूछना, मिलता है। जय हिंद, जय भारत।